तेजस्वी यादव इतना नीचे गिर सकते थे इसका हमको अंदाजा नहीं था। इतना नीच, इतना घटिया काम तेजस्वी यादव कर सकते थे इसका हमको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। और जब मैं आपको सच बताऊंगा तो शायद आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे कि लालू के लाल तेजस्वी यादव इतना नीच काम भी कर सकते हैं। पेट पे लात मारना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव मनीष कश्यप के पेट पे। पेट पे लात मारिएगा तेजस्वी यादव जी, पेट पे लात मारिएगा। दोस्तों, मनीष कश्यप के चैनल को उड़ाने का प्रयास किया गया, मनीष कश्यप के पेट पर लात मारने का प्रयास किया गया और इसका सीधा साधा आरोप तेजस्वी यादव जी पर लगाया जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं एक वीडियो क्लिप दिखा रहा हूं, पहले वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम आपको एक बहुत बड़ा सच बताएंगे। पहले वीडियो क्लिप देखिए। अच्छा, तब जाके सुनिए सुनिए, मैं बताता हूँ। हाँ, मेरे बिहार से, आपके बिहार से कुछ लोग हैं, और मैं जो बोल रहा था कि इसकी चैनल उड़ा दो, खत्म करो। बिहार से जी, ये जिसका नंबर तुम जिससे भी बात किए हो ना, हाँ। वो इन चीजों से बहुत डरता है, वो बिल्कुल है ही नहीं इसमें। वो बेचारा वो निर्दोष लड़का है, बहुत अच्छा है वो। कितना तो पैसा गया कि मेरे को ऐसे नहीं, कितना पैसा का ऑफर दिए थे लोग आप लोगों को मेरा चैनल उड़ाने के लिए? यार पैसा तो दिए, और साथ में कुछ और भी दे रहा था, एक चैनल दे रहा था बड़ा, और बोला कि इसे खत्म कर दो। अभी मैं एक अच्छा हुआ, मैंने कॉन्टेक्ट किया, अभी तो दो और एक्टिव हो जाते तो खत्म हो जाता सब। मैं करता अभी उसी दिन एक और दो मार देते तो लग जाता शाम तक। कितना कितना मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे? मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं आपका वीडियो देखा था बस। कितना मिलियन सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे? जी पता है कितना? आपके पे 8.5 मिलियन। 8.5 मिलियन अभी नमाज चल रहा है ना जी, अभी नमाज हो रहा है ना पाकिस्तान में? जी अजान, अजान कल से रोजा है शायद, से कल या परसों से? कल से पहला रमजान रोजा है। अल्लाह यही सिखाते हैं, अल्लाह यही सिखाते हैं। आप तो अलग तरीके से लेके जा रहे हो। नहीं, अलग तरीके से नहीं लेके जा रहा हूँ। देखे, आप मेरे भगवान का कदर कीजिए, मैं आपके अल्लाह का कदर करूंगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सुनिए, आपके अल्लाह यही सिखाते हैं, मैं गरीबों का मदद करता हूँ, आप मेरा चैनल उड़ा के क्या उखाड़ लेते मेरा? आप बताइए यार, मैं क्यों उड़ाऊंगा? मैं तो क्यों? अच्छा, मैं घर पहुंचूंगा। अच्छा, कॉपीराइट आपने क्यों भेजा वो बताइए? मैं मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, मैं आपसे इतने अच्छे ढंग से बात कर रहा हूँ। बताइए, आपका नंबर व्यवस्था करने के लिए पता है, सुनिए ना, आराम से आप आराम से बात कर लीजिए ना खड़े होकर। आपका नंबर व्यवस्था करने के लिए 10 दिन आदमी को लगाया, तब जाके आपका वो जो कॉपीराइट भेजा था वहां से ईमेल निकाला, फिर आपके नाम से यूट्यूब चैनल सर्च मारा, यूट्यूब चैनल गया, फिर वहां पे देखा कि अनेकों बिहार के लोगों का गाना आपने प्रमोट किया है अपने चैनल के कम्युनिटी में, फिर उसमें से एक मैं सब नहीं करता हूँ, हाँ। मेरे दोस्त वगैरह करते हैं, मैं सब नहीं करता हूँ। देख लिए ना, बिहार से कुछ लोगों ने पाकिस्तान में पाकिस्तानी लड़का, उस लड़के को पैसे दिया कि मनीष कश्यप का चैनल उड़ा दो। आखिर वो बिहार का कौन आदमी है जो मनीष कश्यप से नफरत करता है, मुझे बताने की जरूरत है या आप जानते हैं? मनीष कश्यप का चैनल उड़ाने का काम पाकिस्तान से करवाया जा रहा है और बिहार के लोग करवा रहे हैं, इसका मतलब बिहार में कोई देशद्रोही बैठा है। पाकिस्तान हमारा भारत देश का दुश्मन देश है, और बिहार का कोई व्यक्ति अगर पाकिस्तान के आदमी से संबंध रख रहा है, इसका मतलब कि बिहार में कोई देशद्रोही बैठा हुआ है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, कहां है आपका आज सीबीआई, ईडी कहां है आपका, आईबी जांच बैठाइए, कौन है बिहार में वो देशद्रोही जो पाकिस्तान से कनेक्शन रखे हुए है? मनीष कश्यप पर इन्हें से लगाता है, मनीष कश्यप को देशद्रोही कहता है।
बिहार में वो कौन गद्दार बैठा हुआ है जो पाकिस्तान से संबंध रखे हुए और पाकिस्तानी से मनीष कश्यप का चैनल उड़वाने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो एगो नहीं उखाड़ पाएगा मनीष कश्यप का, एगो नहीं, चैनल डिलीट करवा देगा तो क्या हो जाएगा। हमरो चैनल पर कुछ विरोधी स्ट्राइक मरवाया था, जब बढ़िया से उसको रेले हटा लिया। हो सकता है मनीष कश्यप तो रेल ही दिए हैं, देख लिए होंगे वीडियो, तो नहीं देखे हैं। चलिए यहां से देखिए, मनीष कश्यप रेल दिए हैं बढ़िया से देखिए। अरे भाई कुछ पैसे चाहिए तो हम लोगों से ले लो यार। अरे सुनो भाई, अरे सुनो भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ पैसे चाहिए तो कह दो कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खराब है, मनीष कश्यप कुछ पैसा दे दो, हम दे देंगे भाई, हम भूखा नहीं मरने देंगे आप लोगों को, ये वादा करते हैं। लेकिन गलत बात है, आप गलत कर रहे हो। अरे आपने मेरे साथ सही किया क्या यार, मैं स्टेक उठा देता हूँ अभी घर जाके। नहीं मैंने आप, मैं आपको जानता हूँ क्या, आप 10 दिन से मुझे परेशान करके रखे हो, 10-12 दिन से परेशान करके रखे हो, ये सही बात है क्या? देखो आपके आपके लोग हैं, मैंने क्या किया? अरे तो मेरे लोग हैं। अच्छा मैं आपको बोलूंगा कि आप जाके अफगानिस्तान में बम फोड़ दो, फोड़ दोगे? तो देखो मेरा हेल्प करते थे, मैंने भी उसकी हेल्प कर दिया। अच्छा हेल्प के रूप में पैसा भेजते थे या क्या करते थे? देखिए मैं आपका सारा जानकारी इकट्ठा करूंगा, ठीक है, और जिन जिन लोगों ने ऐसा करवाया है उन लोगों की जानकारी इकट्ठा करूंगा। अगर कॉपीराइट नहीं हटा तो मैं लीगल एक्शन लूंगा। आप गलत तरीके नहीं, आप गलत किए हो ना भाई, मैं तो आपसे हंस के बात कर रहा हूँ, मुस्कुरा के बात कर रहा हूँ, रमजान का महीना कल से चालू हो रहा है, मैं इतना अच्छे ढंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जो काम आपने किया वो काम मैं आपके साथ किया होता तो आप कैसे बात करते मेरे से? बिल्कुल गुस्सा आता कि नहीं? जी आता है। तो वही चीजें मुझे आ रहा है। चलो ठीक है, अभी मैं जाता हूँ, मैं हटवा देता हूँ। आप हटवा दीजिए, मैं आपका इंटरव्यू भी करूंगा। और लेकिन आप एक चीज करना भाई, रमजान का महीना है, रमजान का पावन महीना है, ठीक है, आप एक काम करना कि किन लोगों ने मेरा चैनल उड़ाने के लिए आपको जो है बोला था। हेलो भाई। हाँ भाई, ये इनका शौक है, हो गया इनसे। अभी हम बाजार आए हुए हैं, यहाँ से हम बस वापसी का देख ही रहे हैं, ये देखो रक्षे वगैरह में हम बैठ ही रहे हैं, तो जैसे ही घर जाते हैं मैं खुद आपकी जिम्मेदारी लूंगा कि आप जैसे ही घर जाएगा हटा देगा। चलिए ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है, ठीक। बस अभी आपके हर वीडियो देखते हैं, ऐसे नहीं है, आप पहले वो वीडियोस बनाते थे, अभी आप बहुत अच्छे बना रहे हो। पहले मैं पाकिस्तान के खिलाफ बनाता था, पहले खिलाफ कर रहे थे, वही मैं देखा था भाई आपके। अभी भी खिलाफ बनाऊंगा, अगर आप लोगों ने बदमाशी किया तो अभी भी मैं बॉर्डर पे आ जाऊंगा, ये चीजें है। हाँ तो अभी भी देखिए अच्छे से रहेंगे, दोनों मुल्क का भला होगा। सुनिए मैं बताता हूँ, अच्छे से रहेंगे दोनों मुल्क का भला होगा, दोनों देश का भला होगा। हर जगह में होते हैं। हाँ तो मुझे बुरा मत समझना। नहीं अच्छा बनी, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, अच्छा बनिए, मैं आपका अनेकों इंटरव्यू जो है अपने चैनल पे लाऊंगा, ठीक है। अच्छा अच्छे से लाना, गलत तरीके से नहीं, ऐसे नहीं बदलाव। अरे अच्छे से रहिएगा, मैं आपका अनेकों इंटरव्यू करके अपने चैनल पे डालूंगा, आप इंडिया में और पाकिस्तान में दोनों में फेमस हो जाएंगे। अच्छा देखो, अगर ये स्ट्राइक काउंटर किया है ना, ये रिजेक्ट हुआ है, ये अगर ऐसा कोई मसला आते तो हम उसी टाइम फॉरवर्ड कर देंगे, हटा देंगे, कोई भी इशू आते तो। ठीक है इसको हटाइए और बदमाशी कीजिएगा, सुनिए सुनिए सुनिए, बदमाशी कीजिएगा, बदमाशी कीजिएगा तो रफेल है ना, खरीद के लाए हैं हम लोग। यार रफेल रफेल इसके पास ठीक है,
तो प्यार से रहिए। रमजान का महीना, रमजान का महीना कल से चालू हो रहा है, प्यार से रहिए, अच्छे से रहिए, ठीक है। देखो ये बात गलत की है कि आपका अल्लाह ये सिखाता है। नहीं, मैंने बोला सुनिए ना, अल्लाह आपका गलत करना सिखाता है ना मेरा भगवान गलत करना सिखाता है, तो हम लोग गलत नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये चीज है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ, ये सही बात है। ये देखो यार, हमने हमने आपकी आपके जो बंदा है उससे कोई बदतमीजी की है तो बताओ। नहीं, आपने बदतमीजी नहीं किया, लेकिन किन लोगों ने मेरा चैनल उड़ाने के लिए आपको पैसा दिया था या कॉन्ट्रैक्ट दिया था, वो डिटेल्स चाहिए। मैं भी सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। देखो बात ऐसे हुआ है, बोल एक बंदा मेरा है, ठीक है, वो बोल रहा था कि स्ट्राइक लगा, तो उसने देख लिया, ठीक है, वीडियो कॉल पे था, तो बोला यार कि यार इस चैनल को तो मैं खत्म करने वाला था। सही है, उसने ये बात की है। कहाँ का लड़का था? इसका चैनल बोल रहा था कि मतलब इस चैनल को मैं खत्म करने वाला हूँ। लड़का कहाँ का था? वो इंडिया के ही है, मुझे कोई ऑफर नहीं दिया, सही बात है ना, मुझे यही बोला है कि यार मैंने बोला ये फिर गलत होगा अगर ऐसे अपने लोग इसके बोल रहे तो। सच में उसका डिटेल्स, उसका डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं बात करूंगा। जान दो भाई, उसका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता आपका। देखो मैं सॉरी करता हूँ, स्ट्राइक लगा है, ठीक है, गलती हुआ है, बस उसके लिए सॉरी। नहीं तो सॉरी कर रहा हूँ। नहीं तो नहीं, धमकी रफाइल है, रफाइल, ठीक है, आप जाओ घर, आप जाओ घर, आप जाओ। लड़ाई से क्या होगा? लड़ाई से कुछ नहीं होता है ना, अब पता चल गया ना आप लोगों को, तो आप जाइए और स्ट्राइक हटाइए। चलिए आप जाइए, स्ट्राइक हटाइए। देख लिए तो मनीष कश्यप तो बढ़िया से रेल दिए हैं, स्ट्राइक हो सकता है तो हटा देगा। पूरी वीडियो क्लिप भी आप देख लिए। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर लिखिएगा। जाते जाते अगर ये काम तेजस्वी यादव जी ने करवाया है तो बहुत बुरा होगा, और अगर ये काम मनीष कश्यप का विरोधी पत्रकार कोई करवाया है जो न्यूज चैनल चलाता है, तो उसको तो हम देख लेंगे अपने से, अकेले देख लेंगे, क्योंकि मनीष कश्यप के साथ अगर कोई मनीष कश्यप के पेट पर लात मारने का प्रयास करेगा, ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, राय विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।